नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार उन्नीस का सवाल है क्वेश्चन से इज अ फोर्स एफ इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लस टेन वाई एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड वाई इज इन मीटर वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम वाई इज इक्ल टू जीरो टू वाई इज इक्वल टू वन विल बी हमारे ऑप्शन है पाँच जूल तीस जूल बीस जूल या फिर पच्चीस जूल है ना सिंपल सवाल है uh, हमें ये पता है हमें जो फोर्स दिया हुआ है पहले वो लिख ले थे फोर्स हमें दिया है एफ दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लस टेन वाई ट्वेंटी प्लस टेन वाई ये अपने को फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे और हमें बताना है कि y इज़ इक्वल टू जीरो से वन जब गया है तो हमारा वर्क डन कितना होएगा तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ़ डॉट डी वाई और हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे y की वैल्यू जो जो होएगी ज़ीरो से वन तक सो so इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे तो ये ट्वेंटी प्लस टेन वाई इंटू डी वाई जीरो से वन ट्वेंटी वाई का इंटीग्रेशन जो है आपका वर्क डन ट्वेंटी वाई का ट्वेंटी डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा ट्वेंटी वाई ज़ीरो से वन प्लस टेन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू लिमिट हमने रखनी है जीरो से वन सो बस यहाँ वैल्यू रख के अपना आंसर आ जाएगा सो वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस विल बी ट्वेंटी पहले वाई की वैल्यू हम वन रखेंगे फिर जीरो रखेंगे तो ये ट्वेंटी हो जाएगा ये अब कैंसिल होके फाइव और यहाँ पे आ गया वन का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर सो अपना आंसर वर्क डन हो गया ट्वेंटी फाइव जूल सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी 25 जूल वुड बी द राइट आंसर